कि मैंने बोला था कि और इधर सो जैसे कि मैंने आपको चैनल एवरीवन दिस इज निशिन मलमी, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो इन टुडेज व्लॉग विल बी ट्रैवलिंग टू जू बीच। सो अभी आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि मैंने जू बीच तो आपको एक व्लॉग में दिखा ही रहेगा आपने, तो अगर वाला व्लॉग याद नहीं गाइस तो मैंने इधर किधर आई बटन में दिया, डू चेक देम आउट ऑल्सो गाइज दैट ब्लॉग ऑल्सो। सो हाँ गाइज, मैंने वो वाला ब्लॉग मैंने आपको थोड़ा सा जू बीच का बताया। अब मैंने जो दो हफ्ता पहले मैंने जो इंस्टाग्राम स्टोरी डाला था मैंने इंस्टा पे, अगर मेरे पास अगर वो कुछ रहेगा वीडियो इंस्टाग्राम जो मैंने अपलोड किया था दो तीन हफ्ता पहले, तो मैंने इधर किधर मैं शेयर कर दूंगा, तो डू चेक आउट दैट ऑल्सो। मतलब कि अब मैंने इधर किधर शेयर कर दिया। सो मैंने खाली उधर तभी आपको खाली थोड़ा बहुत रात का दिखाया था सीन, और ज़्यादा शिवाजी स्टैचू एंड ऑल दिखाया था मैंने, जैसे कि आपको जू बीच में वो USP है जू बीच का। सो अभी ज़्यादा करके अभी दिन में बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी हो गए, तो मैंने दो तीन हफ्ता पहले देखा, और प्लस आज संडे है तो ज़्यादा क्राउड भी रहेगा, मतलब कि क्या क्या है उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ आ चुके हैं, चलो देखते गाइस। तो आज का व्लॉग मैं अकेला कवर नहीं करने वाला, मेरे साथ दो जन ये मेरे साथ रहने वाले। अभी वो दो जन कौन कौन है आपको मैं चलिए अभी बताते थोड़ी देर में, तो रहिए व्लॉग में गाइस। कि मैंने बोला था कि इस ये वाला ट्रिप में, मतलब कि ये वाला प्लेस में जहाँ जाने वाला जू बीच में, मैं अकेला नहीं जाने वाला फाइनली ये वाला व्लॉग में विथ मी आफ्टर सो लॉन्ग। एलास कैसा है भाई, बहुत दिन के बाद दिख रहा है। मैं भी बहुत दिन के बाद गया था ट्रिप में, और अपने साथ गिरगुल भी है जो अभी आया, और एक और बंदा आने वाला है जो गोवा रिटर्न बंदा है, जो अभी अपनों को स्पॉन्सर करने वाला। पाओ मुझे भी पता नहीं अभी वो स्पॉन्सर करेगा कि नहीं, आपको तो बाद में मैं व्लॉग में फॉरवर्ड में बता दूंगा। तब तक मैं उसको आपको जब वो आएगा आपको मैं इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा, शायद आपने एक व्लॉग में देखा होगा। चीज़ जो मेरे साथ है आज मेरा दोस्त, जो मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं सोलो नहीं आने वाला हूँ, तो वो आ चुका है हमारे साथ, दैट इज बटरन एज अ वीडियो, जो बिलोंग करता है गोवा से। वापस दिखाऊंगा अगर आपको याद नहीं होगा तो इस बंदे को जानते रह गए आप गोवा, अगर गोवा रिटर्न से अभी छुप रहा है कैमरा के नीचे। अभी इसको भी पाव भाजी जो है, पाव भाजी का ट्रिप इसके जैसे अपना प्लान आउट हो गया, इसलिए आपको जू बीच का भी व्लॉग बन रहा है अभी गाइस। तो पार्किंग वार्किंग कर दिया गाइस, जैसे कि देख रहे हो। सो द पार्किंग चार्ज फॉर 3 hours इज ऑलमोस्ट 55 rupees, इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट डील। अभी 55 rupees आजकल पार्किंग कहाँ मिलता है कि नहीं अलास 55 rupees का, सही है वो तीन घंटा 55 अभी ऑन वीकेंड्स है, मॉल वॉल में कितना एक्सपेंसिव रहता है रे। तो और क्या बताया भाई, कुछ बोलना है अपने ऑडियंस को? देखते अभी जाते हैं जू, जू में जाते हैं, अभी बज चुके 3:30 वही बहुत टाइम के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है, और इधर अलग ही हवा आता है रे हमेशा, क्योंकि बीच साइड की वजह से इट्स रियली रियली ग्रेट। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ईयर वाले व्लॉग में बताया था कि दिस इज़ द स्टैचू ऑफ छत्रपति महाराज शिवाजी का, जैसे कि देख रहे हो। हम लोग तभी रात को आए थे, इवनिंग को, इसलिए थोड़ा लाइट वाइट चालू था, अभी हम लोग इवनिंग को आए थे तो इसलिए अभी थोड़ा सा अच्छा खासा अभी लाइट वाइट के साथ नहीं, थोड़ा डे लाइट के साथ आप शॉट इन्जॉय कीजिए गाइस, और बीच हम लोग घूमते रहेंगे। सो स्टे ट्यून गाइस। कैमरा में कैसा समझ रहा है कि नहीं, बस टुडे इज द हाई टाइड आउट हियर, बिकॉज यूजुअली इधर पानी इधर तक आता नहीं है, बट नाउ इट इज कमिंग टू हियर, तो आज पूरा हाई टाइड है। जैसे कि मैंने 2 weeks पहले भी जू बीच आया था, जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम के स्टोरी में शेयर किया था, तो इतना तो भीड़ नहीं था, मतलब इतना ये हाई टाइड नहीं था, बट नाउ इट इज़ द हाई टाइड, तो मतलब कि क्राउडेड भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बोला टुडे संडे, सो बिकॉज ऑफ द संडे द क्राउड इज़ मोर,
एंड द इन्जॉयमेंट इज ऑल्सो मोर. देर आर लॉट्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स ऑल्सो. आप शॉर्ट्स में देख ही लोगे गाइस, ये बोटिंग वोटिंग का तो ज़्यादा आई थिंक सो अभी ऑपरेशन नहीं करे बिकॉज ऑफ द हाई टाइड्स एंड ऑल. बिल्कुल भी इतना नहीं चालू जितना होना चाहिए, थोड़ा बहुत चालू है बिकॉज पानी जैसा कि मैंने बोला इधर यूजली नहीं होता है, बट नाउ इट इज़ देयर. तो जैसे कि मैंने बोला था कि इधर बोट एक्टिविटीज भी है, नया नया चीज़ें और भी है, तो आप उसका शॉट इंजॉय कीजिए. और इट वॉज आर रियली ग्रेट. तो आज ज़्यादा बोटिंग सीन भी नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ द हाई टाइड एंड ऑल. अभी देखो हम लोग इधर खड़े हैं एंड द वाटर इज कमिंग टिल ईयर. जैसे कि पता नहीं कैमरा में समझ रहा है टिल ईयर द वाटर इज कमिंग. और अलग ही हवा है, मज़ा आ रहा है. अब थोड़ा इधर एक्सप्लोर करेंगे गाइस, सो आप ब्लॉग में रहिए गाइस. यहाँ पे आपको नॉट ओनली इधर स्टॉल में मिलेगा, बट आपको इधर अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रीट का कुछ खाना है उस टाइप का, तो यहाँ पे आपको कोकोनट वाटर भी मिलेगा. जैसे कि पता नहीं कैमरा में जस्ट इधर है. एंड नॉट ओनली कोकोनट वाटर, द पिंक कलर आता है ना हम लोग इसको इधर बुड्ढी का बाल बोलते हैं, विच इज़ इन स्वीट फॉर्म कैंडी टाइप का. तो उधर भी वो भी बन रहा है, तो रियली रियली अमेजिंग. सो नाउ शायद से हम लोग अभी पाव भाजी खाने वाले. सो एक और चीज़ गाइस कि यहाँ पे आपको इधर मैट्रेस भी मिलता है इधर, जैसे कि देख रहे हो आप, पता नहीं कैमरा में समझ रहे कि नहीं. यार यू कैन सीट ऑल्सो रिलैक्सली. सो हम लोग आ चुके हैं अभी इधर जो द खाओ गली ऑफ जू बीच, जहाँ से आपको पूरा स्टॉल में दिखेगा पाव भाजी से लेके वड़ा पाव से लेके चाट सब कुछ मिलेगा आपको. इवन गोला ऑल्सो मिलता है इधर. मतलब पता नहीं मेरा ऑडियो कैसा रहा, माइक को ये अटैच है, फिर भी बहुत सारा तावा का नॉइज एंड ऑल ये सब भी मिलता है. आप अगर पाव भाजी नहीं खा सकते इधर, आप चाट वगैरह भी खा सकते हो. इट्स रियली ग्रेट. तो जूस का भी ऑप्शन मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है. तो आप वो थोड़ा बहुत शॉर्ट इन्जॉय कीजिए गाइस. और आज थोड़ा प्लेस क्राउडेड है, जैसा कि मैंने बोला था कि आज संडे है, तो उसके वजह से आज ज़्यादा क्राउडेड है गाइस. फाइनली वो चीज़ आ चुकी जिसके लिए हम लोग जू बीच में आए गाइस. फॉर द थिंग विच वी वर वेटिंग फॉर इट. सो ये देख लीजिए गाइस, वी हैव गॉट इट, द पाव भाजी फॉर विच जू बीच इज फेमस. अगर आप आते हो तो यू कैन ट्राई फॉर इट, जरूर आइए गाइस. और ये बंदा बड़ा छुप रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे कि पीछे का बैकग्राउंड देख के भी पता चल रहा है इट इज फुल ऑफ खाओ गली. इट्स रियली रियली अमेजिंग गाइस. और आप शॉर्ट्स में देख ही लोगे. छः पाव खाया, मतलब ये इतना फुल हो भी बटर है. मतलब अभी कल तो मुझे जबा के वर्कआउट करना पड़ेगा अभी उसके लिए. मतलब इतना इट वॉज सो अमेजिंग था, और क्रेविंग हो रहा था उसका, तो इसलिए इट वॉज़ अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस.
सो आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा शॉर्ट्स। किधर जाना है कि नहीं भाई? किधर जाना है? घर पे, घर पे बस हो गया। घर पे हो बस। अभी आज का संडे का कोटा खत्म ना भाई, कैसा लग रहा था भाई? अच्छा लग रहा है। और धूप भी बहुत ज़्यादा है ना, लास्ट टाइम हम लोग आए तो इतना धूप नहीं था, हम लोग थोड़ा लेट आए थे, बट अब थोड़ा सा अच्छा खासा है। और अभी थोड़ा हम रोड का सीन भी देंगे, सो स्टे ट्यून। सपोज अगर आपको आपका कार वार कुछ नहीं लेके आते हो तो आपको बस फैसिलिटीज़ भी है एंड इवन ऑटो फैसिलिटीज़ तो 100% रहता ही है आपको। जैसे कि आप बीच के अंदर जाते हो या बाहर से आते हो बीच के अंदर से, तब उधर आपको ऑटो रिक्शास वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, नो डाउट। आपको इवन ओला उबर सब मिल जाएगा। आपको खाली थोड़ा सा लोकेशन देखना ओला और उबर का है, खाली रिक्शा तो आपको जैसे कि आप बीच से बाहर आओगे तब जाके मिल जाएगा आपको ईजिली एंड इट्स वेरी ईजिली एक्सेसिबल। एक और चीज़ गाइस, जैसे कि आपको जानना है कि मैं किधर पार्किंग किया अपना गाड़ी, सो वहाँ पे आपने तो एक वेज वाला शिव सागर करके वेज रेस्टोरेंट हो उधर, उसके बाजू में एक लेफ्ट टर्न जाता है उधर ही पार्किंग है जो 55 rupees फॉर 3 hours है। और उधर ही आपको उसी लेन पे आपको वॉशरूम भी मिलेगा, आप पार्किंग करके वॉशरूम भी जा सकते हो। सो अदरवाइज आपको शिव सागर याद नहीं रहेगा तो आप वो वाला भी याद कर सकते हो, चायोस, जस्ट चायोस एंड द शिव वे शिव सागर का जस्ट अपोजिट, मतलब कि नॉट अपोजिट, जस्ट उसके बाजू में ही आपको पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाएगी, इजीली एक्सेसिबल है। नहीं तो अगर इधर नहीं मिलता है आपको तो एक रामाडा करके होटल है जो जस्ट आपको, जैसे कि मैंने शिवाजी का स्टैचू का शॉट्स के टाइम में बताया, तो उधर ही उसके नीचे ही आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ मिलेगा। बट यहाँ पे जहाँ मैंने पार्किंग किया उधर ज़्यादा स्पेस है। सो गाड़ी में आते इतना बड़े चटके उटके लग रहे हैं ना, मतलब कि पूरे हालत ही डाउन हो रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 35 degrees, फिर भी पता नहीं शायद धूप में खड़ा है ना, धूप धूप में था ना इसीलिए ज़्यादा लोगों को चटके वटके लग रहे हैं। तो अपन अभी थोड़ा सा रोड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाय द टाइम ओवर टू एलाइस। चुके अपन घर पे, जैसे कि सोसाइटी पे देख के पता चल ही गया होगा। सो आई होप आपको जू का व्लॉग देख के भी मजा आया होगा गाइस। अगर पसंद आया तो यू कैन हिट द लाइक बटन, इफ यू डिड नॉट लाइक देन यू कैन हिट द डिसलाइक बटन टू, एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल, डू फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल, दिस इज माय आईडी हियर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। And I'll catch you in my next vlog. And do comment down below how did you like this vlog also. And do share this vlog also guys. Thank you so much guys. My train. But train, yehi hai Goa return wala jo party dene wala apne ko aaj.